क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल, आपका बड़ा भाई है जो ये घटना हुई? हाँ, हमारा बड़ा भाई है। क्या कैसा हुआ? वो भैंस उसका लड़का चराने गया था। अच्छा। लड़का चरा करके वापस हुआ और ये वही तालाब के पार में बैठा था तो उसकी भैंस पड़िया दोनों तालाब में कूद गए। इसमें सोचा कि मैं पड़िया पकड़ लूं और जिसके पड़िया पकड़ने के लिए कूदा नजदीक से तुरंत गहर तालाब उसका पैर फिसल गया तो जहाँ तक पैरा तो पैर पाया। इसके बाद वो तालाब गहर है, बहुत ज्यादा असीमित गहर है। ये कैसे गहर हो गया? ये जबरदस्ती खुदाई की गई इसमें। बहुत मना भी किया कि साहब बस्ती के अंदर खुदाई कर, मिट्टी खुदाई कराई गई, बहुत मिट्टी खोदी गई है। अच्छा, मशीन यहाँ चलती रही? हाँ, मशीन भी चली, मशीन से मिट्टी खुदाई होती रही। इस वजह से गहरा हो गया तालाब, ज्यादा गहरा हो गया, ज्यादा गहरा है। करीब लगभग कितने फुट होगा? लगभग इस समय भरा होगा कम से कम 25-30 फुट से तो नीचे हो ही नहीं गया। अच्छा अच्छा, 50 और तो अभी भी आपका भाई मिला नहीं? जी नहीं, अभी नहीं। 100 को सूचना की? 100 तो आ चुके, आ चुके हैं वो। अभी और कहीं सूचना की आपने? हाँ नहीं, हम 100 नंबर को भी फोन किया है और लोगों ने ढूंढा 6-7 लोग तो रहते कूदे। हाँ। इसके बाद उसको कोई पता नहीं चला, अब भी नीचे है वो, अभी भी मिल नहीं रहे, अभी नहीं उतरा है वो। चलो ठीक, आपके बड़े भाई हैं? हाँ, हमारे बड़े भाई। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएं।